हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हर फरमाना चैनल। दोस्तों, आज की हमारी टॉपिक है आरसीबी वर्सेस किंग एलेवन पंजाब। दोस्तों, आप सबको तो मालूम हो गया, यानी आरसीबी मैच जीत गई, तो अब आरसीबी की जो है ना होप जिंदा है, यानी अभी भी आरसीबी आ सकती क्वालिफाई करके। तो ये पूरा जो क्रेडिट किसको जा रहा मालूम है, सिराज भाई को जा रहा। कैसा जा रहा, अब ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो गेल का कैच पकड़े, जो लोग मैच देखे उनको मालूम है, ज़बरदस्त कैच पकड़े उन्होंने, बेहतरीन अंदाज में, हैदराबादी अंदाज में जो कैच पकड़े, पकड़ते के साथ ही वहीं जो है ना गेल भी ठंडा हो गया। कहीं को बोले तो उन्हें अगर ठहरता था गेल शैतान का बच्चा, तो मार मार के पूरी आरसीबी की हालत पिंगी चिंगी कर देता था उन्हें। कहीं को बोलते वो एक माने में बड़ी बात नहीं, पर मैं गेल के सामने कितना भी बड़ा बॉलर है तो नहीं टिकता। मगर आज जो शैतान का बच्चा आउट हो गया सिराज भाई के सामने, तो उसके ऊपर अपन एक मुहावरा बनाए, क्या गेल तू हो गया सिराज भाई के सामने फेल, अब जाके वेस्ट इंडीज को खेल, समझे ना भाई। तो ऐसा हो गया समझो, तो सिराज भाई के सामने गेल भी नहीं टिका, कैच पकड़े और एक विकेट भी लिए उन्होंने बेहतरीन अंदाज में। तो और आज विराट भी अच्छा खेले, और कहीं बोलते स्कोर तो कम था 89, मगर आज उन्होंने भी ज़बरदस्त मारे समझो, छक्के चौके ज़बरदस्त तरीके से लफ्ज़े। आज जो बेहतरीन अंदाज में मैच जीते हैं आरसीबी वाले, तो अब उनके चांसेस है, यानी सुपर सिक्स में आने के उनके चांसेस है। तो अब सिराज भाई भी जो है ना, अब उनका फॉर्म आ गया सो है। तो हमारे विराट के भी पर एक बनाया था मैं, क्या बोल के, विराट आज तुम ज़बरदस्त पकड़े बैट और मारे बेहतरीन शॉट। तो ये था दोस्तों हमारा आज आरसीबी और किंग एलेवन पंजाब के बारे में छोटी सी टॉपिक थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों हमारे चैनल हर फरमाना को, प्लीज़ आप शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स, बाय ऑल।